नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। ये हैं युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह, जिनका गोरखपुर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है। दरअसल पर्वतारोही नीतीश सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया। फतह हासिल कर नीतीश सिंह जब अपने घर गोरखपुर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। नीतीश सिंह ने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट कोजी अस्को को फतह करना है। इसके बाद मेरा यही है कि मैं अब विश्व की जो सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको फतह करने के लिए अब अगला लक्ष्य रखूंगा। और इसमें कठिनाई तो हर तरीके से आई है और लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया है। राजेंद्र नगर के रहने वाले शहीद अमरजीत सिंह के बेटे 23 वर्षीय नीतीश सिंह 18 जनवरी 2021 को अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। 26 जनवरी को उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो 19,340 फीट पर तिरंगा फहराया। इसके बाद गोरखपुर पहुंचने पर गोरखपुर के आला अधिकारियों ने अंग वस्त्र देकर उनको सम्मानित किया। बता दें कि नीतीश सिंह ने साल 2016 में दिल्ली में एक साल का प्रशिक्षण लिया था। 2018 में माउंट एवरेस्ट पर 6,200 मीटर बेस कैंप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। 2019 में अरुणाचल प्रदेश स्थित मीरा थांग ग्लेशियर 16,600 फीट, 2020 में उत्तराखंड में स्थित पीनट चोटी 9,000 फीट और 2020 में माउंट रुद्र गैरा उत्तराखंड 19,081 फीट को फतह किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।